नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जो है इप्सन 5290 प्रिंटर है फ्रेंड्स। इसका प्रॉपर्टीज में जाने के बाद जो है कि इसका मेंटेनेंस में जाते हैं और जो है कि इसका स्टेटस चेक करते हैं और देखिए सर्विस रिक्वायर्ड प्रॉब्लम आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो सर्विस रिक्वायर्ड है 100% आज जो है कि इस प्रॉब्लम को फिक्स करके इस वीडियो पर दिखाने वाला है। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा फिर से, देखिए ये जो सर्विस रिक्वायर्ड दिख रहा है वो दिख रहा था, अभी जो है कि दोबारा जो कि राइट क्लिक करके जो है कि उसका प्रिंटिंग प्रिफरेंस में चेक करते हैं और मेंटेनेंस में चेक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टेटस मॉनिटर 3 और जो कि रेडी थे। तो फ्रेंड्स, जादू ही जादू, यानी कि अभी सर्विस रिक्वायर्ड था, अभी आपका जो है कि रेडी हो गया। तो चलिए कैसे करके हम ये जादू किए अभी आप लोग को दिखाते हैं, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो टूल्स है फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा ये यहाँ पे जो है कि कॉपी कर रहे हैं कि यहाँ पे दे रहे हैं, ये टूल्स कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, इसी वीडियो में आप लोग को जो है कि बताने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ टेक्निकल पीसी से जेएल महतो और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलो। चलिए आज जो है कि प्रॉब्लम को जो है कि ये जो जादू वाला जो स्टाइल है, जो पहले सर्विस रिक्वायर्ड था और अचानक जो है कि इसको रेडी कर दिए, तो कैसे करते हैं ये चीज़ अभी आप लोग को दिखाता है। फ्रेंड्स, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो जरूर एक बार जो है कि लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी लिख दीजिएगा। तो ये जो है फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा आपको जो कि एंटीवायरस जो भी होगा आपका सिस्टम पर, चाहे डिफेंडर हो या जो भी एंटीवायरस होगा, उसको क्लिक करके ओपन करके जो है कि डिजेबल कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए विंडोज डिफेंडर है, तो इसको जो है कि यहाँ पर हम लोग गए वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में और मैनेज में जाने के जो है कि इसको रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ कर दी। तो आप भी एक बार कर लीजिएगा, अगर ये प्रोटेक्शन आपका नहीं, दूसरा कुछ प्रोटेक्शन होगा तो उसको भी ऑफ कर लीजिए, जैसे कोई खेल या जो भी हो। और ये जो टूल्स है फ्रेंड्स, इसको डबल क्लिक करके जो है कि इंस्टॉल कर लेना होगा। जस्ट बहुत ही सिंपल है इसको इंस्टॉल करना। तो अगर आपका जो है कि सिस्टम विंडोज 10 या विंडोज 7 जो भी होगा फ्रेंड्स, जो कि आप बहुत आसानी से जो कि इंस्टॉल कर पाइएगा और ये टूल्स भी बहुत ही आसानी से जो कि आप लोग जो है कि डाउनलोड कर पाइएगा, कोई यहाँ पर चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स। और अगर आप ये सब नहीं जानते हैं या ये सब नहीं कर पाएंगे तो जो है कि मेरे से भी किसी भी टाइम जो है कि कॉन्टैक्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कि ओहो, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, प्रिंटर को ऑन करना होगा। यहाँ बताना चाहूँगा एक बार प्रिंटर को ऑन ऑफ कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ ये जो स्टेप है आने के बाद प्रिंटर को ऑन ऑफ कर लीजिएगा, उसके बाद ये जो है कि सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर कंटिन्यू करना है, फिर जैसे हम यहाँ कर वैसे ही करना होगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो कि फ्रेंड्स की डालना पड़ेगा और की में जस्ट जो है कि TRIAL डालना होगा फ्रेंड्स। बताना चाहूँगा एक सिस्टम में सिर्फ एक बार ही आप कर पाएंगे, लेकिन 100% जो कि आपका प्रॉब्लम आप टू 80% ही लेवल को जो है कि आपका रिसेट करके देगा, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो फ्रेंड्स, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता तो जरूर एक कमेंट के साथ जो है कि लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ टर्न ऑफ द प्रिंटर बताया जा रहा है, तो प्रिंटर को ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा। और इसका जो है कि फुल वर्सन अगर चाहिए फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा तो हमारा दिया हुआ नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो कि कॉल करके जो कि फुल वर्सन आप ले सकते हैं बहुत इजीली। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेरा प्रिंटर जो है कि ऑफ करके ऑन कर दिए हैं और स्टेटस एक बार जाके चेक करेंगे कि जो पहले सर्विस रिक्वायर्ड आ रहा था अभी क्या आता। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा यहाँ पर मज़ा ही मज़ा आ जाएगा आपका जो है कि प्रॉब्लम फिक्स, कोई चार्जेस भी यहाँ पे आपको पे नहीं करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स बताना चाहूँगा यहाँ पे अगर जो टूल्स है कैसे डाउनलोड करना, फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को देख के जो है कि आप डाउनलोड कर लीजिएगा। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो है कि फिर मिलते हैं एक धमाकेदार नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।